हे हेलो गाइस। गाइस। तो गाइस ये वीडियो में हम इंट्रो नहीं देने वाले, ठीक है। ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है कि खुशी वाला वीडियो है, ये थोड़ा दुख वाला वीडियो है। और ये सॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना बुरा लग रहा है ये सिद्धू भाई के लिए। यार रियली मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि संडे को ये सब चीज़ हुआ और उस दिन हम बाहर गए थे घूमने। जैसे ही मैं आया तो हम लोग का आदत है कि हम इंस्टाग्राम चेकआउट करते हैं, तो रानिया चेकआउट करी इंस्टाग्राम, तो मेरे को बताइए कि ऐसा ये सब हो गया करके। सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दिया कोई करके। तो मेरे को लगा कि भाई बहुत सारे फेक न्यूज़ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग लाइक वाइक के लिए ऐसे इंस्टाग्राम में डालते रहते हैं। तो मैं जाके जल्दी से यूट्यूब में लाइव वीडियो देखा कि न्यूज़ देखा कि क्या ये सही है। मैं देखा तो भाई रियली में ये सही था गाइस, ठीक है। तो मेरे को यकीन तो नहीं हो रहा था पहले, मेरे को लगा कि वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस समय, ऐसा दिखा रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब लगा होगा उनको गोली उतनी नहीं लगी होगी, ठीक है। तो मैं जाके फिर इंस्टाग्राम में सर्च किया वीडियो, और फिर मैं देखा तो बहुत बुरी तरीके से उनको लगा था, और वहाँ पर लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं फिर देखा वहाँ पे एक भाई थे जो उनको पकड़े हुए थे, ठीक है, और एक दो मतलब वो फ्रेंड थे, चार फ्रेंड, उन्हीं लोगों का उनका वीडियो मैं देख चुका हूँ, ठीक है, वही हेल्प किए, बाकी कोई भी हेल्प नहीं किया, ठीक है। तो ये ऐसा सिद्धू मूसेवाले इसके साथ हुआ भाई, मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। 28 साल की एज में, ठीक है, बंदा इतना अच्छा था, और 2017 से ही उनके गाने आने लगे, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था तब मैं सुनता था, मतलब मेरे को पंजाबी उतना समझ में नहीं आता था उस समय, अभी मैं सीखा हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि गाना मैं सुनते तो गया रोज तो। मतलब वर्कआउट करने है, कुछ भी करना है तो सॉन्ग चला रहे हैं, यूट्यूब हमारे खोले जिम में हैं भी हम तो, वर्कआउट भी करते हैं ना, तो पंजाबी बहुत सारे हमारे भाई है पंजाबी जिम में आते हैं, वो और उसमें सिद्धू सिद्धू मूसे का वाले के गाना ही। आई ना, ऐसा हो हाँ नहीं सकता है। हाँ बहुत ज्यादा चल रहा था उनके हर एक वीडियो, मतलब 5 दिन पहले भी डालेंगे, उसका जस्ट 2 दिन के बाद फिर वीडियो डालेंगे, तो हर में अब अच्छे व्यूज रहते हैं, बहुत तगड़ा व्यूज रहते हैं, मतलब उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका एक अलग देसी लुक था। इंसान को हमारे इंडियन लोगों को, ठीक है, और मेरे को भी खासकर देसी लुक मेरे को बहुत पसंद आता है, देसी गाना पसंद आता है। नॉर्मल जो कार वार दिखाते हैं वो फॉरेन वॉरेन का कार, वो कोई बड़ा चीज नहीं रहता है, ठीक है। मेरे ये को अपने ये सॉन्ग में हाँ अपने ट्रैक्टर सॉन्ग पे दिखा ट्रैक्टर रहे दिखाते हैं, हैं, गाँव की देश के खेती बारे दिखा में, रहे हैं, हम अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम नाम लिख ले दिया रहे हैं, तो मैंने। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था इनको देखना, ठीक है। तो बहुत भाई, और मैं तो इनके मम्मी पापा का सोच रहा हूँ कि इनके मम्मी पापा के ऊपर क्या बीता होगा। हम तो देखो मैं रियली बोल रहा हूँ गाइस, जितने भी देश वाले अभी बहुत लोग जस्टिस का मंग रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए 5 दिन 10 दिन 20 दिन देखेंगे वीडियो, ठीक है, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन उनके मम्मी पापा का इकलौता वो बेटा था यार, ठीक है। और अभी अभी वो पॉलिटिक्स में भी गए थे, ठीक है, अब पता नहीं क्या है कैसा है क्यों इनको मतलब ऐसा किया गया इनके साथ, ठीक है, कौन है इसके पीछे, अभी पंजाब पुलिस देखते हैं। और पंजाब में गई मैं देख रहा हूँ, बट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जितने और भी सेलिब्रिटी हैं उनके ऊपर भी गोली चली है, ठीक है। तो ये पंजाब सरकार के लिए तो भाई बहुत मतलब ये चीज़ होना नहीं चाहिए था, पंजाब सरकार को बहुत स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा फिर हो ये हम नहीं चाहते, ठीक है। तो देखते गए इनका सॉन्ग है और लास्ट जब राइड, से ठीक ये है। न्यूज़ हम लोग देखे हैं तब से तो कुछ करने का भी मन नहीं कर हाँ रहा है ना। हाँ और यकीन हो ही नहीं रहा हम, मैं वीडियो शूट कर मैं मेरे को रानिया 2-3 दिन से 1 हफ्ते से बोली रही थी कि इनके बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं सिद्धू मूसा वाले भाई के, अपन रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है। मेरे सेकंड चैनल में मैं डाला भी हूँ रिएक्शन, पहले बनाता था पंजाबी सॉन्ग्स पे, इनके भी ठीक है, सॉन्ग फिर तो पे हाँ इनके भी सॉन्ग में बनाया, वो तो थोड़ा स्किप कर दिए थे हम बनाना, लेकिन रियली गाइस मैं इनके बनाने वाला था। मैं सोच ही रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगा, जब भी हम आएंगे शूट करेंगे वीडियो, तो मैं इनका सॉन्ग बनाऊंगा, ठीक है। और जो इनका लास्ट राइट सॉन्ग है, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि उस पर बहुत, यानी कि ये पहले से ही बता दिए थे ऐसा इनके साथ होने वाला है, ऐसा बोले हैं, मैं अभी तक के नहीं सुना ये सॉन्ग, तो सुनते हैं कैसा क्या है इस पे लाइन, ठीक है, तो देखते हैं क्या है, उसके बाद गाइस आप लोगों से बातें करते हैं भाई इनके गाने। लेकिन गाइस रियली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी भी इनके गाने पुराने पुराने गाने भी अभी भी चलते हैं और लोग सुनते हैं, ठीक है, अलग ही एक स्वैग होता है इनके सॉन्ग में। Yo, what's up? Sidhu Moosewala, baby. Just arrived live. Tell him where you're from, man. कि
वो उनका लास्ट सॉन्ग है और उसपे ये सब चीजें दिखाई गई है। हाँ, और ऐसा और बोला जा रहा है कि 29 मई को ही, मतलब उनका एक सॉन्ग है 295 करके, तो मतलब जो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ये बहुत कम समय में, मतलब 3-4 साल में ये इनके इतने सॉन्ग क्या बोलते हैं वायरल हुए, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है जल रहे थे इनसे कोई जेलेसी की वजह से इनको मारे हैं, क्योंकि भाई इतने कम समय में कोई पॉपुलर हो रहे हैं किसी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये गलत है यार। जब भी देख रहा हूँ मैं इनका हर एक एक पल का मतलब लाइव वीडियो देख ही रहा हूँ, ठीक है। पंजाबी अब वो ऐसा समझ में तो उतना नहीं आ रहा है, पंजाबी न्यूज़ में हर पूरा अंतिम संस्कार तक इनके वीडियो देखा हूँ मैं, और मेरे को मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा, और मैं इनके मम्मी पापा का सोच रहा हूँ यार, इनके मतलब क्या बीत रही होगी इनके मम्मी पापा के ऊपर, कोई फील नहीं कर सकता इनके मम्मी पापा का दर्द गाइस, ठीक है। रियली इनके मम्मी पापा पे जो बीत रहा होगा भाई, हम तो आजकल नहीं थोड़े से भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनके मम्मी पापा के लिए भाई
एक ही बच्चे थे ठीक है, सिद्धू मूसेवाला। रियली यार बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो भी इनके साथ ऐसा किया है भाई, उसको तो कभी ऊपर वाला कभी माफ ना करे ठीक है, बहुत गलत किया है ठीक है। तो और शब्द ही नहीं है बोलने के हाँ कुछ लिए। शब्द नहीं है गाइस इसके अलावा, क्योंकि भाई मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा इतना अच्छा इंसान गया है हमारे बीच से यार ठीक है। क्योंकि ये कनाडा छोड़ के अपने गांव आए थे कि मैं वहां पे रहूंगा, और इनके मैं जब पॉलिटिक्स में आए तो भी इनके पांच मतलब जब भी आए थे तब तो मैं देखा था कि इनके वीडियो में ये बोल रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहा हूँ, मैं जितने नहीं आ रहा हूँ ठीक है, कुछ सिस्टम है जिसमें कुछ गलत होता है, उस सिस्टम को मैं चेंज करने आ रहा हूँ, कि मेरे से जितना भी चेंज होगा मतलब मैं कोशिश करूँगा सिस्टम को बदलने की थोड़ा सा जो गलत होता है उनके साथ ठीक है। मेरे को बहुत इनके मतलब जितनी भी बातें थी ना बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और इनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी ठीक है। बस इतना ही वीडियो है गाइस ठीक है, और ये वीडियो में मैं पहली बता दे रहा हूँ कोई पैसा कमाने के लिए या व्यूज़ के लिए नहीं है ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ऐड नहीं चलेगा ठीक है। तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप लोग ऐसा कर रहे हो, ये एक श्रद्धांजलि के लिए है और हमारे तरफ से उनके लिए प्यार है, और ऊपर वाले से हम बस यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे ठीक है। और आप लोग भी दुआ करो, अब सैड होना और जितना हम सैड होंगे और रोएंगे उतना ही इनको तकलीफ में होगा, अगर ये ऊपर से हमको देख रहे होंगे तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो कि अच्छे से रहे, खुश रहे जहाँ भी रहे ठीक है। बस यही बोलूँगा गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।